Hi this is Amina Sheikh here on Zoom channel and with me today I have Gippy Greval I have Jasmine Basin, and I have Gurpreet Singh Guggi so join me as I welcome all of them on Zoom channel Thank, thank you, you so you much so thank you much. First of all lovely to have you and today the vibe is completely different because it's about ardas it's the third installment and it's about spirituality something you know in the power of prayers things change so I want to know from y'all you know continuation of a movie like this and you know continuation of this you know creating पॉजिटिविटी इन बिल्कुल जी थर्ड पार्ट है तो जो भी हमने एफर्ट करी वो सबसे ज़्यादा तो पहले में ही थी क्योंकि हमें एक रास्ता था जो जो एक पैसेज बनता है वो हमेशा सबसे पहले पहला ही बनता है उसके बाद तो थोड़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं तो अभी जो ऑडियंस भी है उनके लिए भी थोड़ा इजी होगा क्योंकि दे नो कि ये क्या है हम क्या बनाएंगे क्योंकि उन्होंने पार्ट वन देखा पार्ट टू देखा अभी पार्ट थर्ड है बट हाँ अब उसमें हम क्या बनाएंगे ये इम्पोर्टेंट है क्या कहानी होगी सो so इट्स अ जर्नी टू तख श्री खजूर साहेब सो so एक पंजाब से लेके वहाँ तक की एक जर्नी है जिसमें हमने अलग अलग किरदारों की अलग अलग जिंदगी अलग अलग चीज़ें दिखाई हैं तो so बाकी फिल्म का फॉर्मेट वैसे ही है जैसे पहली फिल्मों का होता है सब so मोटिवेशनल फिल्म आपको <coughs> ज़िंदगी जीना सिखाती है कैसे क्या करना है रियल uh, लाइफ के करदार हैं आपने लेफ्ट राइट अपने आसपास देखे होते हैं उनकी कहानी है जो हमने अपने तरीके से कहने की कोशिश करी जासमिन ये बहुत ही स्पिरिचुअल फिल्म भी है hmm. और इसमें एक ऐसे भी यानी फेजेस बताए है जहाँ पे समथिंग हैपेंस एंड देन यू सडनली समथिंग्स चेंज यू नो एंड दैट इज़ व्हाट हिज लाइफ लाइफ में भी ऐसे बहुत चीजें उतार चढ़ाव आते हैं। इफ़ यू समथिंग यू नो फ्रॉम योर लाइफ है ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन से फिफ्टीन के बीच में जब मैं काफी लॉस्ट हो गई थी कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे लगने लग गया था कि क्या मैं शायद कल प्रोफेशन में हूँ क्या मैंने कोई गलती कर दी बिकॉज फ्रॉम पेइंग रेंट टू मुझे याद है आई लव फूड आई एम अ बिग फूड ही वो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि आई यूस्ट टू थिंक ओ माई गॉड मुझे आई वॉन्ट टू ईट समथिंग नाइस आई कॉन्ट इवन अफोर्ड दैट मतलब इतना बुरा टाइम आ गया था <laughs> उस टाइम मैं बस यही प्रेस करती थी कि मुझे एक सही रास्ता दिखा दो मुझे एक सही रास्ता दिखा दो एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट 2015 थाउजेंड फिफ्टीन आई रिमेंबर जून इट वाज माय बर्थडे मुझे जी से कॉल आया पहले मैं टीवी को मना करती जा रही थी मना करती जा रही थी उस टाइम आई डोंट नो व्हाट स्टक ऑन मी आई वाज लाइक नहीं मैं करूँगी आई टोल्ड माई एजेंसी इट्स ओके डन आई एम डू इट एंड दैट हैज चेंज माई लाइफ कंप्लीटली आई थिंक आई एम वेरी प्राउड अबाउट माई टेलीविजन जर्नी क्योंकि एज अ मेन लीड आप एक शो करते हो आप दो शो करते हो देन यू स्ट्रगल विथ थिंग्स आई फॉर फाइव सिक्स ईयर्स आई डिट बैक टू बैक शोज आई डिड बिगेस्ट शोज फॉर ऑल द बिगेस्ट चैनल्स प्राइम टाइम तो जो फेथ था ना मेरा वो इतना स्ट्रॉग हो गया दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग अपने फेथ को इतना स्ट्रॉन्ग रखो दैट यू फियर नथिंग यू आर इन गॉड्स हैंड्स एंड दैट वॉज अ टाइम आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू गॉड एंड आई फाउंड माई पाथ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू हैव टू ऑलो रिकलेक्ट वन ऑफ योर फेज जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि सब कुछ जा रहा है हाथ से एंड इट केम बैक टू यू स्पेशली अ करियर इन कॉमेडी एंडिकल वर्ल्ड एंडिंग सीरियसिडर अरदास फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू आर लूजिंग समथिंग एंड यू आर जस्ट डूइंग अरदास यू आर गैटिंग दोज थिंग्स बैक सो आई डोंट बिलीव इन दैट आई थिंक अरदास इज आवर पार्ट ऑफ लाइफ है तो ये हम रोज करते हैं हर वक्त करते हैं है ना जब नहीं? आप सामने से किसी का एक्सीडेंट होता भी देखते हैं ना तो पहला शब्द आपके मुंह से ओ या खुदा है ना हाय रब्बा तो वो एक दुआ ही है कि रब्बा बचा लेना उनको अरदास हमारा पार्ट एंड पार्सल है कुछ लोग रोटी खाने के से पहले दुआ करते हैं अरदास करते देखे होंगे कि भाई आज भी दी कल भी देना है ना तो मुझे लगता है ये जो पिक्चर है दिस इज नॉट ए स्पिरिचुअल मूवी बट दिस अप्रोच इज स्पिरिचुअल है ना दिस इज अबाउट द पॉजिटिविटी और मुझे ये लगता है कि जिंदगी में हमें किसी को भी पूछो आज तक यही पढ़ाया गया है कि जिंदगी जीने के लिए तीन चीजों की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान मुझे लगता है ये तीनों चीजें बाद में आती हैं इनसे भी आगे एक चीज है वो है पॉजिटिविटी तो आपकी पहली जरूरत रोटी नहीं है आपकी पहली जरूरत है पॉजिटिविटी वो कैसे मैं उसको प्रूव करता हूँ आप, आपने सर्वाइवल पिक्चर देखी होंगी बहुत सारी कि बंदा जंगल में खो गया सी में खो गया कहीं दुनिया में खो गया पहाड़ों में खो गया तो उसको रोटी भी नहीं मिल रही mm -hmm. तो कैसे जिंदा फिर वो mm -hmm. उसकी जो पॉजिटिविटी है वो उसको जिंदा रखती है कि मुझे रोटी मिलेगी मुझे ढूंढना है मुझे कुछ भी खाना है मुझे अपने घर पहुंचना है मुझे अपनी तो वो पॉजिटिविटी सबसे पहली चीज़ है वो है तो रोटी मिल जाएगी वो है तो आप घर पहुंच जाओगे ठीक है ना तो हमारी इफ यू टॉक अबाउट दिस मूवी अरदास द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन एंड द थर्ड वन अरदास दे अरदासबत स्प्रेड्स पॉजिटिविटी

आपकी लाइफ में शुरू में स्ट्रगल होती है मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको सब चीज़ें इजीली इजीली मिल जाती हैं इन बिटवीन पेरेंट्स आपके साथ जैसे मेरे फादर नहीं रहे मतलब ये चीज़ें आपकी लाइफ का एक पार्ट है आपके साथ होनी है आपको कैसे उससे मतलब ग्रो करना है मेरे को ऐसा था कि मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं एक्टर बनूँ मैं सिंगर बनूँ तो मेरे को वो एक उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा ये हो गया कि शायद अगर मैं कुछ नहीं बनू तो आज वो यहाँ पे होंगे तो वो और भी अपसेट होंगे है ना तो आई हैव टू डू दैट मुझे वो चीज़ें करनी है मुझे ये करना है मुझे वो करना है तो मैंने वो चीज़ें करी आगे आके डे बाय डे डे बाय डे उन चीज़ों को ग्रो करा इवन अभी भी कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आप कई बार सोचते कुछ और वो चीज़ें कुछ और हो जाती हैं बट बाकी चीज़ों पर अभी मैं ध्यान नहीं देता मैं सिर्फ एक ही चीज़ थी पर फोकस करता हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ और मेहनत से करूँ जैसे मैंने ये फिल्म बनानी थी तो मुझे क्योंकि भाजी नोज़ वेल कि मैं डे नाइट बस फिल्म को लिखा मुझे पैशन था कि यार ये मैंने करना है करना है और मैंने इनको बहुत जाके बोला कि पाज़ी मुझे लगता है अपनी बेस्ट बनेगी ये है ना ये करो वो करो और अभी भी मैं आ, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मुझे बच्चों जैसा चाह होता है उसका कि यार जैसे कोई घर में छोटा टॉय लेके आता है तो मुझे डे नाइट मुझे नींद ही नहीं आती मतलब मैं अभी भी रोज़ ऐसे करता हूँ जैसे कल भी हम मेरी फ्लाइट थी मैं ऑस्ट्रेलिया से उतरा तो मैंने इनको बोला भाजी क्या प्लान है ये कहते बताओ मैं क्या चलो फिल्म देख के आए कहते अच्छा मैं क्या मेरी करेक्शन हैं काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज करनी है आप भी देखो फीडबैक तो फिर मैंने फिर इनको दिखाई तो मतलब मैं हर रोज़ मेरा होमवर्क है हर रोज़ मेरा होमवर्क है तो मुझे पैशन है इन चीज़ों का मज़ा आता है तो जब उसमें होते हो तो आपको कुछ आसपास देखने की जरूरत नहीं पड़ती तो लाइफ घुस बाय And also, you know, Gippy, sir, आपने ना एक सिंगिंग मेंियर अच्छा बना लिया था एंडलीफ really एक्टिंग you know. आपने क्या ऐसा डिफरेंस देखा और आपको क्या ऐसे हुआ कि एक्टिंग भी करनी चाहिए Actually, क्या है कि देखो मैं बचपन में ज्यादा एक्टिंग करता था मतलब स्कूल में भी मैं बहुत ज्यादा मोनू एक्टिंग ये वो ऐसी वैसी करता था तो Uh, मुझे सिंगिंग का भी शौक था तो जब मैंने करियर स्टार्ट करिया किया एट दैट टाइम पंजाबी में इतनी अच्छी फिल्में बनती नहीं थी yeah. है ना तो मैंने सिंगिंग uh, शुरू कर ली और जो बनती हुई थी वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं थी है ना तो उसके बाद uh, मनमोहन सिंह जी जब फिल्में बनाने लगे तो साल में एक आध फिल्म होती थी तो एट दैट टाइम हमने अपना सिंगिंग की स्टार्टिंग शुरुआत करी तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी जब कोगिभा जी वगैरह को देखते थे मुझे याद है कि एक टिप्स ने फिल्म बनाई थी दिल अपना पंजाबी जब वो बनी तो उससे पहले भी फिल्में अच्छी बनी थी बट वो जब उसका आया कैनवस उसमें जो म्यूज़िक था जो पैटर्न था मैंने जब सिनेमे में जा के देखी तो मुझे लगा कि यार उस फिल्म ने मुझे बहुत मोटिवेट किया मुझे लगा कि यार ऐसी फिल्में बननी चाहिए मतलब कि मैं भी देखूँ यार ऐसी फिर अपनी शहीद ऊधम सिंह ये वो सो बहुत वाली बूटा सिंह शहीद मोहम्मद बूटा सिंह सो वो सारी फिल्में इतनी अच्छी थी आप लोगों को जो हमारी जनरेशन थी उसको मोटिवेट करती थी कि आप भी आगे जाके कुछ करो आप भी जाके कुछ करो उसके बाद मैं इस्टेबलिश सिंगर हो गया तो थोड़ा ईजी हो गया मेरे लिए तो काफ़ी मुझे फिल्में अप्रोच होने लगी तो लकीली मैंने जो पहली फिल्म करी क्योंकि बहुत सी चीज़ें तय होती हैं आपके डिसीजन पर कई बार एक्टर बुरा नहीं होता जैसे इस फिल्म से पहले कुकी पाजी को लोग एज़ अ कामेडियन ही जानते थे और वो सोचते थे कि शायद कुगीपा पाजी यही कर सकते हैं तो मुझे था कि नहीं यार क्योंकि हमारे साथ रहते थे मतलब जो हम इनकी डेली की जो इनकी बातें सुनते थे जो हमें हमें दिखते थे ये तो मुझे लगता था यार इज़ मोर ऑफ ये वाली साइड इनकी ज़्यादा है तो लेट्स डू इट ये बनाते हैं तो आपका डिसीज़न आपने क्या लिया है वो तय करता है आपका करियर तो शायद वो मेरी जो पहली फिल्म थी वो मेरा डिसीज़न ठीक हो गया तो उसने तय कर दिया कि यार मैं एक्टर हूँ शायद उसमें इतना अच्छा मैंने काम भी नहीं किया था तो एवरेज था बट फिल्म सुपर हिट होगी जब फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट है तो बस आप हिट हो तो कई बार क्या होता है कि जब बॉक्स ऑफिस हिट नहीं होता तो चीज़ें खराब होने लगती हमने अरदास फिल्म बनाई हमें मतलब मेरे ख़ास दोस्त हमारे एक दोस्त हैं डायरेक्टर समीप कंग जी तो मैंने सबसे पहले उनको फिल्म दिखाई अरदास उन्होंने फ़िल्म देखी और देखने के बाद ना वो मुझे बिना कुछ बोले उठ के चले गए तो मुझे लगा कि इसको फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसने नहीं। बोला ही नहीं मेरे को शायद ये तो दस पंद्रह मिनट के बाद वो वापस आ गया तो मैंने कहा कि अच्छी नहीं लगी वो कहता अच्छी कहता ये मेरी लाइफ की बेस्ट फिल्म है मतलब वो मैं कह तुम तो बताया क्यों नहीं कहता मैं इमोशनल हो गया कि यार कहता आप लोगों के साथ कि मतलब कि मैं एक्चुअली मुझे तो उन्होंने मुझे उन्होंने सिखाया है ना समीप कांगजी बलजीत सिंह देव कोगी पा जी ये मेरे लिए टीचर हैं इन्होंने मुझे सिखाया है तो मुझे वो कहता कि मैं आई एम सो हैप्पी कि आपने ये फिल्म बनाई वो इमोशनल हो गया बट उसने इमीडिएट एक बात मुझे बोली कहता फिल्म पाजी बहुत अच्छी है चलेगी नहीं मैं यार चलेगी क्यों नहीं यार कहता कहता ऐसी फिल्म है ना जब मैं देखने बैठा था ना तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये फिल्म ऐसी होगी कहता मुझे लगता था कि यार बड़ी सोशल सी फिल्म होगी तो वॉच दिस ठीक है मैंने आपके लिए देख ली तो कहता यार अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था बट जब ये फिल्म चल गई हम उस दिन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया कि यार आप लोग कई बार क्या होता है कि अच्छी फिल्में रह जाती हैं ना तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं पड़ता तो सब ने था यार इन्होंने गलत फिल्म चूज़ करी है हमने भी ऑटोमेटिकली ये सोचने ना था कि दिस इज़ नॉट द राइट सिनेमा शायद हमने गलत फिल्म बनाई अब अप्रीशिएट हुई तो तब हमें पता चला कि नहीं यार इसका ये राइट फिल्म है तो वैसे चीज़ें बननी लग जाती है Jasmine, also coming to you, uh, especially you know, if films are connected, you know, when I speak about the real life, as we talk about the social media trolls, and kahi you are a radar ban jate ho, you know, on social media, for your personal life, all the more, like a cryptic post and recently you were like, you know, mm. on, on there, when you even get hurt, you know, there are a lot of people who shower love. How do you cater to the negativity which you face otherwise? initially the negativity really used to affect me it was one of the reasons that i slipped into depression because i was not used to to such harsh words such kind of language but then i realized that i am an artist i enjoy uh, being loved i have put myself out there in public so they will give me everything people give what they have if people have hate for me they're going to give me and i should not take it personally i need to create that boundary okay fine सो नाओ आई हैव बिकम दिस पर्सन दैट आई ओनली अब्जर्व पॉजिटिविटी आई ट्राई टू बी एज क्लियर एंड एज ओपन आई कैन भी बिकॉज माई फैन्स ऑलवेज सपोर्ट मी दे टेक माई साइड आई डो नॉट वॉन्ट टू मिस लीड दैम एंड आई हैव लर्न टू आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मैं क्यों इस चीज़ की कंप्लेन करूँ हाई लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं जब लोग आपको प्यार करते हैं जब मुझे यू नो बूस्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं वो तो मैं इंजॉय करती हूँ ना तो ठीक है नेगेटिविटी भी आएगी आई जस्ट need to filter it out yeah and um, I don't blame anybody and talking about as I said like you know most of the time even your personal life you know with Ali hmm. Goni comes under question you know hmm. under speculation you post something, even that love something which hmm. you posted people took it otherwise how do you try and protect that side of your life see the good thing is that he's also an artist he understands that we are always under the radar so it doesn't affect my equation with him but uh, I really need to

namaste london and uh, singh is king Kiladisa saashee yeah, but, recent, but i'm, recent I'm yeah, yeah recently i've done that but, and most of comedy theme yeah, yeah. he was a serious subject where you know you're invading yeah, yeah, a different world altogether yeah. i'm coming to on that only actually uh, i feel more comfortable with punjabi cinema hmm. because i think it's, hindi cinema is very much time consuming and you are again doing a little character because movie belongs to hero only hmm. whatever you're doing in any movie तो मुझे ये लगता है तो पंजाबी सिनेमा को मुझे पंजाबी सिनेमा की ज़रूरत है पंजाबी सिनेमा को भी हमारी ज़रूरत है अभी क्योंकि वी आर ग्रोइंग तो हम लोग अगर किसी और चीज़ में भागेंगे तो वो ठीक नहीं लगेगा और दूसरी बात जैसे आपने अभी कहा तो मुझे मेरा बेस्ट पंजाबी सिनेमा में ही करने का मौका मिलेगा कोई मेरे पे बैट करेगा कोई मेरे पे पैसे लगाएगा कोई मेरे पे श्योरिटी होगी कि अगर इसको जैसे गिप्पी भाई ने अभी कहा कि कहाँ कॉमेडी करते करते इन्होंने मुझे एकदम गुरमुख सिंह का ये करैक्टर जो मोटिवेशनल करैक्टर है जो स्पिरिचुअलिटी की बात भी करता है जो लोगों को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ता है तो ऐसा करैक्टर मुझे कोई कहाँ करने देगा यहाँ पर क्योंकि आ, कोई इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं रखेगा तो जो जहाँ जो सिनेमा मेरे पे वो रखता है तो मुझे वहाँ करना चाहिए और मुझे लगता है जो मुझे वहाँ काम करने का मौका मिला है पंजाबी सिनेमा में तो हम लोग पंजाबी सिनेमा को अभी आ, कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड सिनेमा में लेके कर आएँ जैसे हमारी पहली पिक्चर कैरी ऑन जट्टा है जिसने अभी हंड्रेड सी का बिज़नेस किया है ये। और ये अभी स्टार्टिंग है तो मुझे लगता है कि अब हम हमें लोग रिकेगनाइज़ करने लगे तो हम बहुत जल्दी उस शेल से बाहर आ जाएंगे कि ये पंजाबी सिनेमा है लोग कहेंगे ये सिनेमा है तो वो लैंग्वेज बाहर से हम बाहर आ रहे हैं

मतलब बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे हैं मैं वन साइड आमिर भाई के साथ मैं बैठा था उन्होंने मुझे बताया कि हिंदी में तो बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत सी चीज़ें हुई हैं उन्होंने अपने मुझे किस्से शेयर किए सो so, मुझे लगता है कि ये एक आर्टिस्ट की लाइफ की जर्नी है साथ में पार्ट ऑफ लाइफ और वैसे भी <coughs> क्या है कि हमारा जो काम है वो बहुत हाईलाइटेड है हम मीडिया के साथ बहुत इन्वॉल्व रहते हैं शायद तब ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं अदरवाइज होती बाकी जगह पे भी है यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है शायद वहाँ पे इसलिए हाईलाइट नहीं होती बट ये सभी इंडस्ट्रीज में है तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसी चीज़ होती हो तो आप

Deal with it, and Touchwood. Uh, I I feel that Indian government and you know whatever our safety agencies and everybody they also really you know help. When you are in difficult situations, touchwood, we are in a country where we don't feel like left out or kujbi ho rai, aisa nahi ho Because recently I heard the news that there were fires outside Salman sir's house and they caught hold of the people who did it. So I think it's it's a world where there's good and this bad, we all coexist and we will have to have our own battles. So, what do you have to say? Especially you are politically inclined also, you know, you have connections outside. यस आई थिंक कि पोलिटिकली हमें अभी और ज़्यादा मेच्योर होने की ज़रूरत है हमारा जो पोलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अभी इतना मेच्योर नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी बहुत से लोग ऐसे हैं एटी नाइन्टी परसेंट लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं जो अभी सोसाइटी का और देश का नहीं सोच रहे हैं जब तक वो नहीं सोचेंगे तो एक मेच्योरिटी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी शायद ये वर्ल्ड का ही अब ऐसा हो रहा है लेकिन यहाँ ये यह दिक्कत आती है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ तो अच्छे लोग होंगे जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा है और हम लोग सारे फिर भी अच्छे से जी पा रहे हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पार्ट एंड पार्सल है हर बंदे की ज़िंदगी में ये चीज़ें आती हैं नेगेटिव भी आता है पॉजिटिव भी आता है और जैसे अभी गिपी जी ने कहा कि ये हमारी इंडस्ट्री जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ये ग्लैमर वर्ल्ड होने की वजह से ये हाईलाइट ज़्यादा होता, होता है लेकिन हर इंडस्ट्री में हर सेक्ट uh, में हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी आई एम सो सॉरी अबाउट दैट इंसीडेंट जो अभी कलकत्ता में हुआ yes. तो हॉस्पिटल में भी एक लड़की अगर सेफ नहीं है तो अपने ही घर में ही बैठी है ना वो तो जहाँ से वो स्टडी कर रही है उसको लगता है आई एम एट माई होम ओनली तो उसका घर है वो वहाँ पे भी वो सिक्योर सेफ़ नहीं है तो क्या कहाँ जाएंगे और ये इतनी ब्रूटलिटी जो वहाँ पे दिखाई गई है हैवानियत है जो दिखाई एक बंदे की तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं रहेंगी हम इनको चेंज नहीं कर सकते हमें अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके इसी दुनिया में इसी सिस्टम में जीना है Is that happening anytime soon? अभी कुछ अच्छा आएगा तो जरूर करेंगे अभी ऐसे है कि सब कहते हैं बट हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया दोनों को ऐसे नहीं है कि किसी ने हमने मना कर दिया या हमने ये नहीं करना उसको भी नहीं किया और मेरे को भी नहीं किया और हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है

एक्चुअली मैं अभी इसी पे फोकस कर रहा हूँ इसके बाद मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं उनका सही टाइम पर नाम लेंगे लेकिन अब एक अभी हमने किया है रिसेंटली उसी की शूटिंग मैंने ख़त्म की वो इंटरनेशनल सब्जेक्ट है वो एक शिप था कामागाटा मारू तो ये एक हिस्टोरिकल घटना है जिसकी 102 साल के बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में उसके लिए अपॉलॉजी किया है कि हमने 102 साल पहले आपके साथ ज्यादती की थी एंड इट्स एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट उस पर भी किया है लेकिन अभी मेरा हंड्रेड परसेंट क्योंकि गिप्पी जी की मेहरबानी से दिस फिल्म बिलोंग्स टू तो मी क्योंकि गुरमुख सिंह बना दिए इस फिल्म में मुझे तो मुझे लगता है कि जब मैं ये फिल्म करता हूँ तो मेरा हंड्रेड परसेंट फोकस इसी पे होता है जब प्रमोट करता हूँ तो भी हंड्रेड परसेंट फोकस इसी पे होता है लवली